दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी सांसद महेश गिरी का धरना जारी। सुब्रमण्यम स्वामी ने मिलकर अनशन तोड़ने की गुजारिश की। स्वामी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा जिन्होंने पूरी जिंदगी गलती की वो लगा रहे हैं आरोप। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग पर भड़के स्वामी, कहा जब हमारे सांसद की नहीं कर सकते रक्षा तो उन्हें किया जाए बर्खास्त। स्वामी ने केजरीवाल को दी चेतावनी, कहा राजन निपट गए, अब केजरीवाल को बताऊंगा। धरने पर बैठे महेश गिरी से मिलने पहुंचे सांसद मनोज तिवारी, कहा केजरीवाल माफी मांगे। महेश गिरी के अनशन पर बोले केजरीवाल, एनडीएमसी में वकील की हत्या पर फिर से उठाए सवाल। महेश गिरी के अनशन पर राज्यसभा सांसद विजय गोयल भी हुए शामिल, केजरीवाल पर जमकर निकाली भड़ास। केजरीवाल पर कांग्रेस के नेता हारून यूसुफ ने साधा निशाना, बोले काम छोड़कर हर रोज नए नए मुद्दे उठाने में जुटे हैं मुख्यमंत्री। एनडीएमसी के वकील खान की बेटी ने गिरी से की अपील, कहा अनशन तोड़ दें सांसद महोदय। आम आदमी पार्टी के विधायक अलका लांबा ने मोदी सरकार को दी चेतावनी, ट्वीट करके लिखा मोदी जी गलती से भी आम आदमी की दिल्ली सरकार को हाथ मत लगा लेना, अपने ही हाथ जला बैठोगे। बिहार टॉपर्स घोटाले में फरार चल रहे परीक्षा समिति के अध्यक्ष लालकेश्वर सिंह गिरफ्तार, एसआईटी ने पत्नी उषा सिन्हा के साथ वाराणसी से किया गिरफ्तार। लालकेश्वर और उषा को लाया गया पटना, टॉपर्स घोटाले का दूसरा मास्टरमाइंड बच्चा राय पहले ही हो चुका है गिरफ्तार। पटना के एसएसपी और एसआईटी चीफ मनु महाराज ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। टॉपर्स घोटाले में विशुन राय कॉलेज का डायरेक्टर भी गिरफ्तार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने लालकेश्वर और पत्नी की गिरफ्तारी पर उठाया सवाल, सीबीआई जांच की मांग। केजरीवाल ने मोदी को चिट्ठी लिखी, 84 सिख दंगा पीड़ितों के न्याय की मांग की, कहा दिल्ली सरकार को मिले एसआईटी जांच की मंजूरी। 26 जून को पीएम मोदी करेंगे मन की बात, पीएम ने मांगे सुझाव। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चंडीगढ़ में कल योग करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री अलग अलग शहरों में करेंगे योग। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी विदेश हुए रवाना, ट्वीट करके दी जानकारी। दिल्ली नगर निगम चुनावों की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी, किराड़ी में एक्सप्रेसवे जनता को सौंपा, 20,000 क्षमता वाले छठ घाट का भी किया शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के कैराना में पलायन पर बोले बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज, कहा दूसरा कश्मीर बनने से समाजवादी पार्टी को रोकना चाहिए। कैराना पर मुख्यमंत्री अखिलेश ने बीजेपी को घेरा, कहा चुनाव की वजह से बदनाम करने की है बीजेपी की साजिश। यूपी चुनाव में कैराना पलायन नहीं होगा अहम मामला, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने दिया बयान। कैराना पलायन पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा ऐसी खबरों से आहत, लोगों के मन से दूर होनी चाहिए निराशा। कांग्रेस के नेता पीएल पूनिया ने बीजेपी सांसद हुकुम सिंह की रिपोर्ट का किया समर्थन, कैराना में समाजवादी पार्टी सरकार के सन्यासियों को भेजने को बताया ड्रामा। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने बस्ती में उगला जहर, राम मंदिर निर्माण पर बोले जब विवादित ढांचा ढहाने से नहीं रोक सका प्रशासन तो राम मंदिर निर्माण कैसे रोकेगा। योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कार्य सेवकों को विवादित स्थल पर मंदिर निर्माण के लिए उकसाया। क्यों नहीं, कौन ताकत है जो आपको रोक सकता है मंदिर बनाने से? जब ढांचा ढहाने से नहीं कोई रोक पाया तो मंदिर बनाने से कौन रोक पाया, अब तो निर्माण होना है। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में उठाया कैराने के पलायन का मुद्दा, बोले पूर्वोत्तर में जाकर देखिए क्या होता है अलगाववाद। आदित्यनाथ ने कहा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से भगाए जा रहे हिंदू इसराइल जैसी राष्ट्रीयता के भाव की हिमायत की। जाट आरक्षण के मामले पर बीजेपी दफ्तर में अमित शाह ने जाट सांसदों से मुलाकात की, एक एक करके सबकी राय जानी। रक्षा सेक्टर में 100% FDI, सरकार ने दिखाई हरी झंडी। अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने मारा छापा, दिल्ली मुंबई समेत 10 ठिकानों पर छापे। दिल्ली के चाचा नेहरू अस्पताल में चौथे दिन भी डॉक्टर्स की हड़ताल, मरीजों की बढ़ी मुश्किलें। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर राजस्थान के गृहमंत्री का आपत्तिजनक बयान, कार्यकर्ता सम्मेलन में गाली का किया इस्तेमाल। नील गाय को मारने पर रोक लगाने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 7 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। बेंगलुरु में दिनेश गुंडूराव के समर्थकों का सिद्धरमैया के घर के बाहर प्रदर्शन, कैबिनेट से हटाए जाने से खफा। वेस्टर्न लाइन पर तकनीकी खराबी से मुंबई लोकल पर पड़ा असर, ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम में आई खराबी। 22 जून को 20 सैटेलाइट होगा लॉन्च, सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया जाएगा प्रक्षेपित। 2008 गुजरात ब्लास्ट का आरोपी नासिर गिरफ्तार, गुजरात ATS ने कर्नाटक से गिरफ्तार किया।
पीलीभीत में बीजेपी ने अखिलेश सरकार पर किया पोस्टर से हमला। मथुरा कांड का हवाला देते हुए राज्य में हुंडा राज का किया जिक्र। इलाहाबाद में गंदे पानी की सप्लाई से नाराज कांग्रेस के कार्यकर्ता, अधिकारी का किया घेराव, जबरन पिलाया गंदा पानी। यूपी के अमरोहा में रेलवे में नौकरी देने के नाम पर ठगी, पुलिस ने एक ठग को गिरफ्तार किया। कानपुर के मोती झील पार्क में पुलिस की हुंडई, आम के पेड़ पर पत्थर मारने पर दो नाबालिगों को बनाया मुर्गा। सूरत में सड़क हादसे की 3 दिन पुरानी तस्वीर सीसीटीवी में आई सामने, एक महिला कार चालक ने मां के सामने बच्चे को रौंद दिया। संभल में लुटेरों के गैंग का पर्दाफाश, तमंचे और नकदी के साथ 3 गिरफ्तार। नरेंद्र दाभोलकर की याद में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लोगों ने किया मॉर्निंग वॉक, हर महीने की 20 तारीख को होता है आयोजन। सीतामढ़ी में कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी की हत्या, रंगदारी न देने पर बदमाशों ने मार दी गोली। जमशेदपुर में सेना ने दिखाई जांबाजी, 45 जवानों की टीम ने 50 मिनट तक मोटरसाइकिल पर दिखाया करतब। राजस्थान के फतेहपुर शेखावाड़ी में ग्रामीण इलाकों के 5 बच्चों ने किया कमाल, बोर्ड की परीक्षा में किया टॉप। झालावाड़ के रायपुर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 7 महिलाएं और 1 पुरुष घायल। उत्तर प्रदेश के हरदोई में अवैध असलहों का जखीरा बरामद, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। देवगढ़ के जेसीडी स्टेशन पर ट्रेन से भारी मात्रा में अवैध कोयला बरामद, 1 महिला समेत 3 कोयला तस्कर गिरफ्तार। बिहार के जहानाबाद में फुटबॉलर की मौत, रग्बी खेल के दौरान गिरकर चोट लगने के बाद हुआ हादसा। हैदराबाद में 5वीं की छात्रा से करीब 5 लाख रुपए की लूट, बर्थडे मनाकर ज्वेलरी के साथ स्कूल गई थी बच्ची। निजामाबाद में टीईटी छात्रा ने आत्महत्या की, रेलवे ट्रैक पर मिली छात्रा की लाश। झारखंड के गिरिडीह में बाइक ने 9 लोगों को रौंदा, हादसे में 6 लोगों की मौत, झारखंड के गिरिडीह में हुआ यह हादसा। बीकानेर में छात्रों के 2 गुटों में भिड़ंत, चुनाव की तैयारी के दौरान चली लाठियां। अलवर में चोर गिरोह का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार, कई वारदात में थे शामिल। कोटा में MBBS अस्पताल में हेड कांस्टेबल का हंगामा, नशे में धुत होकर वर्दी को किया शर्मसार। अजमेर में युवक ने खुद को गोली मार कर किया आत्महत्या, पुलिस ने शुरू की जांच। राजस्थान के धौलपुर में निर्माणाधीन मकान की पट्टियां गिरी, 1 मजदूर की मौत, 3 घायल। जींद के नरवाना में अवैध संबंध में युवक की हत्या, प्रेमिका पर आरोप। ग्रेटर नोएडा में 17 साल की छात्रा से गैंगरेप के मामले में 4 लोगों पर लगा आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। धौलपुर में सर मथुरा अस्पताल के प्रभारी बुरी तरह से घायल, कार का नियंत्रण खोने के बाद हुआ हादसा। यूपी के मऊ में एक मदरसे में योग दिवस की तैयारियां जोरों पर, मदरसा मैनेजमेंट के अनुसार इससे बच्चों का होगा पूर्ण विकास। योग को बढ़ावा देने के लिए आंध्र पुलिस के अधिकारी आए सामने, कुरनूल जिले में एल्बम के जरिए बढ़ा रहे हैं जागरूकता। बेंगलुरु में डॉक्टर की लापरवाही से कोमा में पहुंचा 5 साल का बच्चा, मामूली ऑपरेशन से बिगड़ गए हालात। त्रिवेंद्रम में केरल सेंसर बोर्ड दफ्तर के बाहर, मलयालम सिनेमा के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स का प्रदर्शन, कथकली फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं देने पर उठाई आवाज। मलयाली फिल्म कथकली ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, सेंसर बोर्ड ने एक सीन पर जताई है आपत्ति। दिल्ली और करीबी इलाकों में तेज बारिश, आंधी में गिरा पारा, मौसम विभाग के अनुसार बरसात के जारी रहने के आसार। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बारिश से रास्ते बंद, सरकारी व्यवस्था की खुली पोल। अनंतनाग के गांव में घुसा तेंदुआ, वन विभाग ने पकड़ा। बाड़मेर में टोकन की मांग को लेकर ठेला चालकों का प्रदर्शन, कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। झारखंड के जामताड़ा में पानी की भारी कमी, पानी छोड़कर दूसरे पानी से लाने के जुगाड़ में जुटे हैं गांव वाले। मुंबई में इफ्तार पार्टी में लगा सितारों का जमावड़ा, नई हेयर स्टाइल में सलमान खान ने की एंट्री, काले रंग के पठानी सूट में आए नजर। कटरीना कैफ और दूसरे सितारे भी पार्टी में आए नजर, लेकिन नहीं दिखी लूलिया। सलमान के पिता सलीम खान अपनी पत्नी हेलेन के साथ इफ्तार पार्टी में आए, अपने पति और बच्चों के साथ पहुंची अर्पिता खान। इफ्तार पार्टी में करण जौहर अपनी पत्नी बिपाशा बसु के साथ पहुंचे, हुमा कुरैशी भी इफ्तार में आई। सितारों के साथ साथ नेता भी इस इफ्तार पार्टी में जुटे, कांग्रेस के नेता सुशील कुमार शिंदे, गुलाम नबी आजाद, नगमा, संजय निरुपम भी इफ्तार पार्टी में आए। सलमान खान ने फिल्म सुल्तान से अरिजीत सिंह का गाना हटवाने की खबरों को किया खारिज, बोले ये फैसला प्रोड्यूसर डायरेक्टर का।
शाहरुख के बेटे आर्यन ने मनाया अपने ग्रेजुएशन का जश्न, मुंबई में घर पर दी दोस्तों को पार्टी। आर्यन की ग्रेजुएशन पार्टी में पहुंची दोस्त नव्या नवेली, बिग बी की नातिन है नव्या। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच, जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला। मैच से पहले टीम इंडिया के कप्तान धोनी ने साथी खिलाड़ियों को दी नसीहत, कहा टीम कैसी भी हो हमें अपना देना है बेस्ट। तीन मैचों की T20 सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से पीछे, सीरीज में वापसी के लिए आज जीतना जरूरी। ढाका प्रीमियर लीग के दौरान बांग्लादेश के क्रिकेटर शुभो घायल, तेज गेंदबाज तस्कीन के बाउंसर से लगी चोट। शुभो के गले में लगी तस्कीन के बाउंसर, अस्पताल में कराया गया भर्ती। पाकिस्तान के संत में जूते से हिंदुओं का अपमान, पवित्र शब्द ओम लिखकर बेचे जा रहे हैं जूते। अफगानिस्तान के काबुल में एक मिनी बस में सुसाइड हमला, 14 नेपाली नागरिकों की मौत। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में भीषण आग, हाईवे के करीब आग लगने की वजह से बॉर्डर इलाके को कराया गया खाली। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को के करीब रेलवे ट्रैक पर प्लेन हादसा, एक शख्स की मौत। उत्तरी कोरिया के इरादों को नेस्तो नाबूद करने के लिए दक्षिण कोरिया ने कैसी खबर, साइबर के क्षेत्र में मात देने के लिए गुपचुप तरीके से सियोल में युवाओं को दी जा रही है ट्रेनिंग। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में तूफान से कई घरों को नुकसान, बिजली आपूर्ति को भी भारी क्षति। रशियाई मूल के हॉलीवुड एक्टर एंटन येलचिन का लॉस एंजल्स में सड़क हादसे में निधन, मैं 27 साल की उम्र थी। रूस के गरेलिया में तूफान का कहर, बोट पलटने से 14 की मौत। ब्रिटेन के आसमान में हॉट एयर बलून का दिखा खूबसूरत नजारा, चैरिटी के लिए उड़ाए गए थे 50 हॉट बलून। इराक के फलूजा शहर में ISIS के कब्जे से मुक्त कराने में सेना को मिली बड़ी कामयाबी, आधा शहर ISIS के कब्जे से हुआ मुक्त।